जय हो श्री निरंकार देवता महाराज की। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों नॉर्मली आपको मेरे ब्लॉग पे जो है लाइफस्टाइल वाली वीडियो ही मिलती है। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप लोग लगभग रोज़ ही मेरे चैनल पे एक वीडियो जो भी हम करते हैं थोड़ा डिफरेंस अगर हम करें और थोड़ा डिफरेंस अंदाज में और अलग अलग चीज़ें पहाड़ों से रिलेटिव हम आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग जो है थोड़ा अलग सा होने वाला है। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने बारे में जितनी भी जानकारी है वही शेयर करने वाला हूँ। तो एक तरह से ये आप मेरा इंट्रो ब्लॉग भी समझ सकते हो। और क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग तो खैर मेरे ब्लॉग इधर के ही देखते हो, अभी मेरे को पता है, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। बट बहुत सारे लोग वो भी हैं जो मेरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। तो आज का ये ब्लॉग उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। और इस ब्लॉग में पूरा का पूरा मेरे बारे में इंट्रो होने वाला है। तो अगर आप मेरे बारे में जानने के इच्छुक हैं तो ब्लॉग को पूरा देखें। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉग को स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों ये लोकेशन मैंने क्यों चुनी है, क्योंकि ये है हमारे निरंकार देवता और भाई, इनके सामने जो भी हम आपको बताएंगे सच्ची बताएंगे, अपने बारे में झूठ नहीं बता सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जो हमारा आत्मा होती है, जो हमारा दिल होता है, जब तक वो किसी काम के लिए हमको एक तरह से आज्ञा नहीं देता, परमिशन नहीं देता, तो वो काम हमारा कभी भी पूरा नहीं होता और अच्छे ढंग से नहीं होता है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं अपने बारे में। तो मेरा नाम है महेंद्र सिंह बिष्ट और मैं नैनीडांड ब्लॉक के धुमकोट तहसील के अंतर्गत, वैसे तो हमारा गांव तहसील में नहीं आता है, राजस्व में आता है, यानी कि पटवारी के अंदर में आता है, बट धुमकोट हमारी तहसील है, पोस्ट ऑफिस हमारा भवन है और गांव का नाम हमारा खौल है। तो ये रहा हमारा एड्रेस, जिला हमारा पौड़ी गढ़वाल का है और रहने वाले हम उत्तराखंड के हैं, आप स्टेट मान सकते हो उत्तराखंड। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा नॉर्मल इंट्रो। अब बात करता हूँ मैं अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल में मैं हम अपनी ज़िंदगी में हमने कभी भी नहीं माना कि हम जो है एक तरह से गरीब घर से हैं, या मतलब एक तरह से मान सकते हो मीडियम, तो एक तरह से बहुत बड़ी बात हो गई और अमीरी तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट हमने अपने आप को खुद कभी गरीब नहीं माना है। तो एक तरह से हम मतलब गरीबी अमीरी को कुछ मानते ही नहीं हूँ मैं पर्सनली। ठीक, ये रहा मेरा जो लोग गरीबी अमीरी को मानते हैं उनके बारे में मेरे को ये मेरा पर्सनली ये सोच है। बात करता हूँ अपनी एजुकेशन की। तो मैंने जो है बीए कंप्लीट किया है, मैंने डिप्लोमा भी किया है मैकेनिकल से और मैंने बीटेक भी किया है मैकेनिकल से। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं कि मेरी एज कितनी है। तो इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में, वैसे तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो हमारे अभी जिस ज़माने में हम हो रखे हैं, माँ बाप तो बोलते हैं कि तुम्हारी जो है डेट ऑफ बर्थ वही है, तो हम इसको कन्फर्म भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक अपना कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। बट अगर डॉक्यूमेंटों के हिसाब से देखा जाए और माँ बाप की सुनी जाए, तो सुननी भी पड़ेगी क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जिनको एग्जैक्ट पता रहता है, और उसमें जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1988 की है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कि हिंदी महीनों के अनुसार तो मंगसीर का है, यानी कि अक्टूबर नवंबर शायद मंगसीर, मेरे को इतना कन्फर्म नहीं है, बट अक्टूबर नवंबर शायद, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट नहीं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1988 है। उस हिसाब से आप मेरी उम्र गेस कर सकते हो।
ठीक है। मैंने 2004 में हाई स्कूल किया और 2006 में मैंने इंटर किया। उसके बाद मेरा एक दो साल गैप रहा क्योंकि फौज में भर्ती होने के भी काफ़ी शौक था उस टाइम और जज्बा भी था। हालांकि नहीं हो पाए, शायद उस लायक हम नहीं थे, शायद तो नहीं हो पाए, ऐसी बात नहीं है, मेहनत हमने बहुत की बट नहीं हो पाए। उस काम को कोई मलाल भी नहीं है क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना यही ज़िंदगी का वसूल होना चाहिए। और हर किसी के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप हर चीज़ की कोशिश करो लेकिन सफलता की कभी उम्मीद मत रखो, क्योंकि और सफलता इतनी बड़ी चीज़ होती भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो सफलता में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा कोशिश करने में। तो हो सकता है आपका जो है, आप इस दुनिया में किसी और काम के लिए आए होंगे, तो कभी भी किसी चीज़ में अगर आप अनुत्तीर्ण होते हो, असफल होते हो, तो कभी भी निराश ना हो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि क्या पता आपका जन्म, क्या पता आपका उद्देश्य ज़िंदगी का क्या हो और आगे आपको मंजिल मिल जाए। तो यही है। उसके बाद मैंने प्राइवेट से बीए किया कोटद्वार यूनिवर्सिटी से, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आप लोग सब जानते ही हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने मुरादाबाद IASE यूनिवर्सिटी, जो हमारा बोर्ड था, उससे मैंने पॉलिटेक्निक किया मैकेनिकल से। उसके बाद मैंने क्रॉस बॉन्डिंग से ही वहाँ से बीटेक भी किया गाज़ियाबाद MIT से, ठीक है। तो मेरा बीटेक भी क्लियर है और पॉलिटेक्निक भी क्लियर है। उसके बाद मैंने जो हमारा कैंपस सिलेक्शन के लिए, बहुत सारी जगह से जब कॉलेज में पढ़ते हो तो आते हैं, एक दो कंपनियों में सिलेक्शन भी हो गया था बट मैं उन कंपनियों में नहीं गया और हमने मार्च किया पूना का। अब दोस्तों पूना जाके जो है, जब हम पूना गए तो आप समझ सकते हो कि एक अनजान शहर में जहाँ की ना तो हमको भाषा समझ में आती है क्योंकि वहाँ जो है मराठी ज़्यादा चलती है और हिंदी इंग्लिश वहाँ लगभग वैसे कंपनियों में चलती है, लेकिन नॉर्मल जो व्यावहारिक लैंग्वेज वहाँ है वो मेन मराठी है। तो हमको मराठी का तो AI भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। अनजान शहर में जहाँ का कि खाना बिल्कुल डिफरेंस था और रहन सहन, खान पान, हवा पानी सब कुछ डिफरेंस था। हवा पानी के मामले में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हवा पानी लगभग हमारे गांव की तरह था, तो हमको वहाँ एडजस्ट करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई बट व्यावहारिक हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है, एक दो साल तक प्रॉब्लम रही। उसके बाद तो हमको वहाँ अच्छा लगने लग गया था। तो वही भाई लोगों को मैंने जॉब की और मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वहाँ एक कल्याणी हायर्स लेमर्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो कि डिस बनाती है रिम, आप समझ सकते हो गाड़ी के टायरों पे जो रिम लगते हैं नीचे, वही रिम वहाँ मैन्युफैक्चर होता है। तो उसी कंपनी में मैं था अभी फ़िलहाल, प्रेजेंट टाइम में मैक्सियन व्हील्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो कंपनी है। तो वह उसी कंपनी में मैंने वहाँ पुणे में जितनी भी जॉब की 2012 से 2021 तक मैंने वहीं जॉब की है, ठीक है, एक ही कंपनी में मैंने जॉब की है। तो ये रहा मेरा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने उस कंपनी में जॉब की है जितने भी साल हुए, आप समझ सकते हो 2012 से 17 अगस्त 2012 से ये सितंबर 2021 तक मैंने वहाँ पे जॉब की है, ठीक है, 8 सितंबर 2021 तक मैंने वहाँ पे जॉब की है। तो उसी टाइम जब मैं पूना गया तभी मेरे 2013 में मेरी शादी हो गई थी, ठीक है, मेरी मैरिज थी और मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने लव मैरिज की थी। तो मैंने तभी जो है शादी कर ली थी, उस समय मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग था, ठीक है, तो तभी मैंने शादी भी कर ली थी। तो शादी का भी ये रहा। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़की प्रेजेंट टाइम पे मेरे हैं। तो ये रहा मेरे बच्चों के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जॉब, अभी करंट जॉब के बारे में। तो करंट जॉब मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन क्या है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं आ जाती है कि आदमी को जो है परिस्थितियों के साथ कुछ समझौता करना पड़ता है और कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती है ज़िंदगी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन जब अच्छा टाइम आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो बातें भी ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना मान लीजिए कि हालात से जो है हम मजबूर हैं फ़िलहाल, बट
अभी भी मैं मतलब एक तरह से बेरोजगार नहीं हूँ, मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ। हालांकि गांव में मैं जरूर हूँ, लेकिन मेरा ऑन जॉब है, अभी भी ऑन जॉब मैं अभी कर रहा हूँ करंट में। ठीक है, बात करूँ कि अपने गांव के बारे में, तो हमारा गांव जो है छोटा सा ही गांव है। लगभग यहाँ अगर पूरे परिवारों की मैं बात करूँ तो 30-35 परिवार यहाँ पूरे गांव में बसते हैं, जिनमें से कि काफ़ी परिवार बाहर पलायन कर चुके हैं गांव में काफ़ी असुविधाओं के कारण। ठीक है, असुविधाओं के कारण, या उनकी बाहर जॉब करते हैं या वो बाहर पहले से ही रहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, असुविधाएँ एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, और इस कारण जो है काफ़ी लोग प्लान भी कर चुके हैं, बट प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ लोग हैं, अभी अच्छे खासे लोग यहाँ अभी हैं। तो ये रहा हमारे गांव के बारे में, छोटा सा गांव है हमारी। अभी अगर गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो हमारे गांव में पानी की तो कोई कमी नहीं है, पानी हमारे गांव में भरपूर मात्रा में है। आप देख ही रहे हो, आजकल भी एक टंकी बन रही है पानी की, जिसका कि आप अगर मेरे ब्लॉग देखते ही रहते हो तो आपको ब्लॉग में पता चल ही गया होगा। तो हमारे गांव में जो है पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है रोड की, और उसके लिए भी हमने बहुत प्रयास कर लिया है। इस बार जो है हमें लगता है कि रोड आ जाएगी, क्योंकि हमने लगभग सारी जो फॉर्मेलिटी होती है रोड के लिए वो सारी हमने पूरी कर दी है। बस अब वो विधायक साहब को सौंपना है, और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे गाँव तक रोड आ जाए। फ्यूचर प्लान के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वैसे मैं आपको अपने बारे में एक बात और बता दूं कि फ्यूचर में मैंने किसी चीज़ के लिए कोई एम नहीं किया है कि मेरे को वो अचीव करना है, ये मेरा कोई एम नहीं है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी मेरे को फ्यूचर में आगे, क्योंकि क्या होता है कि रास्ते कभी भी आपको मंजिल कभी भी आपको तय नहीं करनी है कि मेरे को वहाँ पे जाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आदमी एक मंजिल तय कर देता है और बाय द वे वो मंजिल आदमी को नहीं मिलती है, तो वो आदमी हताश, निराश और कुछ भी गलत भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा कर लेता है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल न रखें। हाँ, आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहिए, ज़िंदगी आपको ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ाती रहेगी, और कुछ ना कुछ मंजिल आपको खुद ब खुद दिखाई दे देगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई मंजिल तय ना करें, तो मंजिल आपको खुद मिलती रहेगी। हाँ, आप पॉजिटिव सोचते रहिए और गलत कामों से दूर रहिए, तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी, अच्छी मंजिल मिलेगी। प्रयास करते रहिए किसी भी क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र उठा लो, क्योंकि सब्जेक्ट और ट्रेंडिंग कभी नहीं होता है। आप कहीं भी सर्च कर लो, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी ट्रेड जो है कभी ट्रेंडिंग में हमेशा नहीं रहा। ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ की वैल्यू होती है, और हर चीज़ का मान सम्मान होता है। बस आपको कोशिश करना है कि आप जो है इन चीज़ों से दूर रहे। जहाँ भी आपको जो भी अच्छा लगता है, अपनी आत्मा से पूछ के, अपने बुजुर्गों से पूछ के, अगर आपको खुद का एक्सपीरियंस कम है तो उनकी भी सलाह ले सकते हो, तो वही करते रहिए, आपको मंजिल अपने आप मिलती रहेगी। तो मैं अपने बारे में खुद बता दिया आपको कि ज़िंदगी में आगे मेरा कोई एम नहीं है कि मेरे को वो अचीव करना है या फलाना चीज़ मेरे को अचीव करना है। ठीक है, रही ज़िंदगी से जो अभी तक हमारी लाइफ गुजरी है उससे, उसके बारे में, तो ज़िंदगी से हमको फ़िलहाल कोई भी शिकायत नहीं है। हमारी ज़िंदगी अभी तक ठीक ठाक ही गुजरी है, अच्छी गुजरी है। ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते रहते हैं, और वही उतार चढ़ाव मेरे साथ भी बहुत कुछ आए हैं, बट मैंने कभी इन चीज़ों का माइंड नहीं किया, और मैं उन चीज़ों को झेलता हुआ आगे बढ़ता गया, और अभी इस टाइम जो है इस कंडीशन में हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा ज़िंदगी का एम, आप गोल समझ सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करूँ तो पहाड़ में जो है, मतलब पहाड़ी आलन आप समझ सकते हो, आपको तो शायद आलन ठंडी में जो पहाड़ी लोग हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि एक प्रकार का ट्रेडिशनल डिश होता है पहाड़ का, पहाड़ी आलन, मतलब आप समझ सकते हो, पालक का भी बन सकता है, राई का भी बन सकता है, आलू आलू को कूट के भी बना सकते हैं, और मतलब बहुत चीज़ों का पहाड़ी आलन बनता है, उसको हम पहाड़ी आलन बोलते हैं। उसमें बेसन वेसन मिक्स करके इन सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से पका के, पहाड़ी आलन भात के साथ मेरे को सबसे पसंद है। अगर सेकेंड ऑप्शन में किसी को दूँ तो पहाड़ में कढ़ी और चावल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये मेरी फेवरेट डिश है। याद, अगर मैं फेवरेट लोगों के बारे में बात करूँ तो वैसे तो मेरे पर्सनल
पर्सनल चीज़ में जो है मेरा कोई फेवरेट ना तो क्रिकेटर रहा है, ना मेरा कोई बॉलीवुड स्टार रहा है, हॉलीवुड स्टार रहा है। मेरा पर्सनली जो है फेवरेट कोई ज़्यादा बड़ा स्टार नहीं रहा है। लेकिन मैं अगर भारत में बात करूं तो अब आप सोचोगे कि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इंसानों के तौर पे और एक हिंदुत्व के तौर पे, एक मतलब हिंदुत्व मान लो, ये मतलब मैं किसी जाति विशेष को इसमें आप ऐसा मत लेना, बट मैं अपनी आत्मा से या मतलब एक सच्चे दिल से किसी के बहकावे में नहीं, बट अपने दिल से जिसको थोड़ा बहुत मानता हूँ तो वो है बाला साहब ठाकरे, जो मुंबई से हैं, शिवसेना के प्रमुख थे। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनको थोड़ा मेरे वो फेवरेट इंसानों में फेवरेट आते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में। बाकी मेरा कोई फेवरेट दूसरा इंसान नहीं है। यूट्यूब जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब जर्नी में मेरा 1 साल पूरा होने वाला है। हालांकि मेरे सब्सक्राइब बेस भी बहुत कम है, व्यूअर्स भी बहुत कम है, ठीक है, और मेरे को इन चीज़ों का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे अपना काम करता रहता हूँ और मुझे यूट्यूब से ये नहीं है कि पैसा ही कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये एक तरह से फैशन आप ले सकते हो, तो फैशन के तौर पर मैं यूट्यूब को लेता हूँ और वही सोच के मैं काम करता रहता हूँ। मैं किसी बड़े यूट्यूबर से, हाँ हालांकि मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, इंस्टाग्राम में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर से भी मैसेज करता रहता हूँ कि भाई थोड़ा चैनल के बारे में कुछ सोचो, ऐसा कुछ मैं बोलता रहता हूँ उनको। लेकिन मेरे को पता है मैं ये फालतू बोलता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सोचते, हालांकि वो मेरा मैसेज भी नहीं देखते, लेकिन अगर देखेंगे भी तो वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो करोड़ों लाखों लोग उनको बोलते रहते हैं। तो चलो वो तो एक तरह से टाइम पास हो गया, तो मैं ये करता रहता हूँ। बाकी मैं दिल से भी नहीं चाहता कि कोई मेरा चैनल जो है प्रमोट करे, जो अगर जनता को अच्छा लगता होगा तो खुद ब खुद प्रमोट हो जाएगा, और अगर नहीं लग अच्छा लगता होगा तो प्रमोट करके भी क्या करेंगे, ठीक है, कोई देखेगा ही नहीं। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती कोई मेरा चैनल वॉच करे। तो ये रही मेरी यूट्यूब जर्नी की बात। फेवरेट यूट्यूबर की अगर मैं बात करूँ तो मनोज दे एक इधर धनबाद से या इधर से कोई यूट्यूबर है, ठीक है, मैं हालांकि एग्जैक्ट उनका एड्रेस जानता नहीं हूँ, लेकिन मनोज दे के मैं ब्लॉग देखता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटिव काफ़ी जानकारियाँ वो देते रहते हैं और मैं उनके ब्लॉग फॉलो करता हूँ, ठीक है, लगभग मैं उनका हर ब्लॉग देखता ही हूँ। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि मनोज दे मेरे फेवरेट यूट्यूबर है, हालांकि मेरा उनसे पर्सनल कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, और अगर भविष्य में कभी हुआ तो करेंगे, बट फिलहाल मेरा उनसे पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत मैं हिमाचल वाला एक लड़का है हिमाचल का, उसके ब्लॉग देखता हूँ, और ये मेरे थोड़ा फेवरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को ये अच्छे ब्लॉगर लगते हैं। अब बात करूँ कि पहाड़ों में, और ये जो आप बाहर रहते हो, ठीक है, मैं भी बाहर रहा हूँ और मैं भी जाता रहता हूँ गुड़गांव, जैसे कि मैंने कहा मैं अभी ऑन जॉब हूँ तो मैं भी गुड़गांव जाते रहता हूँ, ठीक है, कभी कभी जब भी काम पड़ता है। तो अगर बात करूँ मैं कि मेरे को कहाँ अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट प्लेस, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये दिल है और ये निरंकार देवता है सामने, मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा फेवरेट प्लेस जो है मेरा गांव ही है। अगर मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ और इतना आपके साथ अपने दिल की बात कहता हूँ कि मैं भगवान से कभी भी एक ही बात मांगता हूँ कि हे भगवान, ज़िंदगी में तू मेरे को कहीं भी ले जाए, ठीक है, कहीं भी घुमाए, कहीं भी नचाए, कहीं भी खिलाए, बट जब मेरी मौत हो और जब मेरे को मरना हो तो मुझे मेरी देवभूमि मेरे गांव में ले आना, यही मेरी इच्छा भी है, और भगवान को मैं मानता हूँ और भगवान से मेरे यही इच्छा है कि जब भी ऐसा हो तो मेरे को गांव लाना, ताकि मैं अपने गांव में ही मर सकूँ। तो ये मेरी मतलब इतना पसंद है मेरे को गांव, ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा मतलब दिल से निकली हुई आवाज़ है, मेरे को गाँव से अच्छा कहीं और लगता ही नहीं है, ठीक है, गांव की हर चीज़ से मेरे को प्यार है, और मेरे पास कुछ भी आ जाए आगे ज़िंदगी में, कितना भी कुछ आ जाए, मेरे को हमेशा पसंद जो है अपना गांव ही आएगा, और कोई दूसरी जगह मेरे को पसंद आ ही नहीं सकती। हालांकि मैं बोलता रहा हूँ कि ये तो कर्म है, कहीं भी करो कहीं भी जा सकता है आदमी, वो बात नहीं है, अच्छा आदमी को हर जगह लगता है, बट जो दिल से अच्छा लगता है वो मेरे गाँव ही है। तो आप समझ सकते हो मेरा फेवरेट जो है प्लेस गाँव ही है। अब दोस्तों बात करता हूँ लैंग्वेज की, ठीक है, कि मेरे को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो गढ़वाली तो मेरे को पूरी आती है, कुमाऊनी मेरे को बोलनी नहीं आती, समझ में लगभग लगभग
80-90% कुमाऊनी समझ जाता हूँ। मराठी मेरे को थोड़ी बहुत बोलनी भी आती है और समझने के लिए लगभग मैं पूरी मराठी समझ जाता हूँ। अब बात इंग्लिश मेरे को बोलनी भी थोड़ी बहुत आती है और समझ में लगभग पूरी जाता हूँ। तो अगर मैं ट्रांसलेशन भी करूँ और लिखना भी करूँ तो इंग्लिश में लिख भी पूरा सकता हूँ और ट्रांसलेशन भी पूरा कर सकता हूँ। तो इंग्लिश में मेरी पकड़ ठीक ठाक है, ठीक है। और हिंदी में तो है ही, हिंदी तो मेरी टोटली है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है। और थोड़ी बहुत बिहारी समझता मैं पूरी हूँ, बोल भी सकता हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत बंगाली मैं समझता भी हूँ और बोल भी सकता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ अदर लैंग्वेज है ये जो है मेरे को पुणे जाके थोड़ा बहुत उस तरह के एक तरह से माहौल में रह के थोड़ा बहुत मेरे को ये सब आती है। तो ये सब पुणे का असर है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी भाषाओं का मेरे को नॉलेज है, आप समझ सकते हो, ठीक है। बात करूँ फिजिकल की तो इस टाइम दोस्तों मैं खुद अपने फिजिकल से काफ़ी खुश हूँ। मैं फिजिकली तौर पे काफ़ी ठीक ठाक हूँ। मतलब ये है कि गाड़ी में जाने से अच्छा मेरे को पैदल जाना लगता है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में बोल रहा हूँ तो ऐसे होगा, नहीं, ये मैं हकीकत बोलता हूँ। गाड़ी में बैठना मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को पैदल चलना पसंद है। चाहे मेरे को 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी पैदल चला ले, मेरे को उसमें मज़ा आता है। और मैं पैदल लगभग कोशिश करता हूँ कि जाता ही रहूँ कहीं ना कहीं। उससे क्या होता है, फिजिकल आदमी का सही रहता है और मेंटली भी आदमी जो है ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहता। तो ये रहा मेरा फिजिकल के बारे में, ठीक है। हाइट मेरी 165 सेंटीमीटर है लगभग, ठीक है। रंग आप मेरा वीडियो में देखते ही हो, ठीक है, जैसा भी है। कभी थोड़ा मैं ज़्यादा क्रीम पाउडर लगाता हूँ तो स्मार्ट हो जाता होगा, वो बात अलग है। नहीं तो मेरा नॉर्मल ये दिख रहा है जो आप लोगों के साथ ये थोपड़ा आप देख रहे हो, यही मेरा नॉर्मल है, ठीक है। ये इसका आपको पता ही है, पढ़ाई का आपको मैंने बताई दिया, लाइफ स्टाइल की मैंने आपको बताई दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और ये भी करता हूँ कि आपको मैंने जो भी बताया उसमें 100% में से 100% मैंने सच्ची बताया आपको। इसमें कुछ भी आपको मैंने गलत नहीं बताया अपने बारे में, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको नया ब्लॉग बना दूंगा अपने बारे में, ठीक है। अपने बारे में अगर कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी दिया होगा, क्योंकि मेरा ये मैंने बोल ही दिया है कि मेरा जो है वीडियो जो है पहले से प्लान नहीं रहता है। मैं अचानक ही कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मेरा ये नहीं रहता स्क्रिप्ट, वीडियो मेरा एक भी नहीं रहेगा। मैं पहले से कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कोई पन्ना वन्ना कुछ नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना रट रुट के आता नहीं हूँ और मेरा प्लान भी नहीं था कि आज मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, लेकिन अचानक आया मन में और बना दिया, ठीक है। तो यही मेरा डेली प्लान रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और जो भी आपको मेरे बारे में आप जानना चाहते हो, जानना चाह रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों थोड़ा ब्लॉग बड़ा हो गया, लेकिन पूरा ब्लॉग देखें ताकि इसमें आप मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। पूरी जानकारी मैंने बता दी है लगभग। कुछ चीज़ छूट गई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए उस बारे में बना दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये मेरा पर्सनल इंट्रो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों, और जय नरंकार देवता को भी प्रणाम कर दीजिए। बाय बाय दगड़ियों।